ठिकाणी धावसंख्या 61 या आठवणी आहेत. मागे वळून बघतो मी आणि हरीश 32 वर्ष, त्या 32 वर्षामध्ये असंख्य अशा आठवणी आहेत. पुस्तक लिहायला घेतलं तर 2-3 हजार पानं होतील अशा आठवणी आहेत. आणि हे सगळे जो काही बाळा चव्हाण असो, संजय पोतनीस असो, अनिल परब साहेब असो, विनोद असो, असे लोक सातत्याने क्रिकेटचा प्रसार, खेळाचा प्रसार, संघटना आमची शिवसेना उद्योजींच्या माध्यमातून क्रीडा विद्यापीठ, तुमचं लक्ष येतो, ज्यावेळेला शिवशाही होती त्यावेळेला क्रीडा विद्यापीठाची संकल्पना, सैनिक शाळेची संकल्पना शिवसेनेने पहिल्यांदा प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये राबवली, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. त्याच वेळेला NIS आम्ही केलं, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ही डिग्री पूर्ण केली, या अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. हरीश, त्याचप्रमाणे सामनाच्या पुढाकाराने भरपूर स्पर्धा आपण बघितलेल्या आहेत. म्हणजे खरोखर शिवसेना एवढं प्रोत्साहन मला नाही वाटत दुसरा कुठली संघटना देत असेल. बरोबर आहे, कारण सामना अपकमिंग टॅलेंट, यंग टॅलेंटला पुढे आणण्यासाठी सामना करंडकची संकल्पना शिवसेनेच्या माध्यमातून आणण्यात आलं. मला अजूनही तो लहान मुलांसाठी लेदरचा बॉल असा असावा, तो त्यांच्या हातामध्ये बसू शकेल, ही संकल्पनासुद्धा सामना करंडकच्या माध्यमातूनच बघायला मिळालं. आणि ओमटेक्सने ते चेंडू आणले मुलांसाठी, याचा उल्लेख करायला पाहिजे. 61 ऑन द टोस, फलंदाज त्रिफाशीत होतो या ठिकाणी, जागा बनवायचा प्रयत्न, मात्र पायाच्या मागून चेंडू यष्टी घेऊन जातोय. विकेटची गरज आहे डोंबिवलीला, आणि ते विकेट या ठिकाणी मिळवून देत आहेत राकेश. अजून एक या ठिकाणी उल्लेख करावा असं वाटतंय, आपण क्षेत्ररक्षणाचा ज्या ज्या वेळेला समालोचनाच्या माध्यमातून आपण बोलतो त्या त्यावेळेला जॉन्टी रोड्सचा आपण उल्लेख करतो. वादच नाही, जॉन्टी रोड्स इज अ ग्रेट फिल्डर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, मात्र त्याचबरोबर एकीची आठवणसुद्धा काढणं तेवढंच आवश्यक आहे. एकनाथ सोलकर म्हटलं की पी जे इंदू जिमखाना डोळ्यासमोर येतं, आणि 4 आपले भारताचे स्पिनर्स डोळ्यासमोर येत आहेत. गोलंदाजचं नाव आहे राकेश, त्याला पेटणे मैदानचं गुड्डू. आमचे ऑब्झर्वर हे नाव विचारत आहेत, मनोज जोगळेकर सर सामना या ठिकाणी बघतायत. मिलिंद रेगे आणि मनोज जोगळेकर MCHच्या माध्यमातून अपकमिंग टॅलेंटला शोधण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न. आणि तसंच ओमटेक्सचा जो विषय झाला, जॉन्टी रोडच्या माध्यमातून 5 वर्षाचा करार क्षेत्ररक्षक बनवण्यासाठी भारतामध्ये, ही फार मोठी गोष्ट आहे. आणि जॉन्टी रोड्स क्षेत्ररक्षकांना प्रशिक्षण देतो आहे भारतामध्ये ओमटेक्सच्या माध्यमातून. मुंबई इंडियन्सचे प्रशिक्षकसुद्धा आहेत, आणि त्यामुळेच एकीचा उल्लेख या ठिकाणी केला. इरापल्ली प्रसन्ना, चंद्रशेखर, बिशन सिंग बेदी, व्यंकट राघवन, हे जे गोलंदाज आहेत त्यावेळेला शॉर्ट लेग असो, सिलिप पॉईंट असो, या ठिकाणी झेल घेण्याचा पराक्रम एकीने केला आहे, याचा उल्लेख करायला पाहिजे. ओ चेंडू खूपच बाहेर, वाईटचा इशारा, धावसंख्या 62. मला अजूनही तो क्षण आठवतोय ज्यावेळेला एकनाथ सोलकर यांच्या पत्नी शीतल सोलकर उपस्थित होत्या अपॉर्च्युनिटी ग्रुपच्या माध्यमातून टाकू स्टेडियम कांदिवली येथे. एक बेनिफिट मॅच होती आणि त्याच्या माध्यमातून 2.5 लाखाची रक्कम शीतल सोलकर यांना देण्यात आला होता अजित वाडेकर यांच्या शुभ हस्ते T20च्या माध्यमातून. अशा असंख्य अशा आठवणी आहेत. क्रिकेट एक कुटुंब आहे आणि प्रत्येकजण कुटुंबाची ही जबाबदारी घेत असतो हे चित्र बघायला मिळालं आहे. पडल्यानंतर चेंडू उसळत असताना या ठिकाणी कमबॅक करायचा प्रयत्न राकेशच्या माध्यमातून डोंबिवली संघ या ठिकाणी करतोय, कारण धावा आपण पहिला पार चार षट पहिल्या 4 षटकात 48 धावा आल्या, आणि नंतर पण पहिलं 5व्या षटकात 7 आणि नंतर 6व्या षटकात 1 षटक चांगलं होतं, आणि 7व्या षटकसुद्धा या ठिकाणी राकेशच्या माध्यमातून चांगलं टाकायचा प्रयत्न. म्हणजे मागच्या 3 षटकात या ठिकाणी 5व 6व आणि आत्ताच्या षटकात डोंबिवली कमबॅक करतो या ठिकाणी शांतिरत्न. लाफ केलं ऑफसाईडला, फटका परफेक्ट लागला असता, तो जो गॅप आहे कव्हरला त्या ठिकाणी तो ट्रॅव्हल झाला असता. मुंबई क्रिकेट असोसिएशन सातत्याने समर क्रिकेट कोचिंग कॅम्प उपनगरामध्ये राबवते, आणि मागच्या काही वर्षांमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल MCHच्या माध्यमातून आमच्या मुलींना पुढे आणण्यासाठी, कुमारिकांना पुढे आणण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रशिक्षण शिबिराचं दिलं जातं, आणि त्याचाच प्रोडक्ट पुनम राऊतच्या माध्यमातून भारतीय संघात आघाडीचे फलंदाज म्हणून आपल्याला महिला दिसत आहेत. ओ टॉपेज, चेंडू जातोय मागे आणि स्किट होत आहेत त्या ठिकाणी. हे चित्र थोडंसं रात्रीच्या वेळेला आपल्याला बघायला मिळेल पूर्ण मैदानामध्ये, कारण काल जसं उल्लेख केला या ठिकाणी हरीश पंड्या यांनी, धावसंख्या 64 तर 4थ्या षटकात 19 धावा आल्या, त्याच्यानंतर 5व्या षटकात 7 धावा आल्या, 6व्या षटकात 4 धावा आल्या, आणि 7व्या षटकात आपण बघतोय एकंदरीत मैदानावर 5 धावा येत असताना, 7 षटकानंतर धावसंख्या 64 64 फॉर द लॉस ऑफ 3 षटका बदल हरीश.
नाही नक्कीच कुठे धावांचा वैभव होता आणि आता धावांची चणबण वाटायला लागलेली आहे. म्हणजे एखादा फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये जेवणाऱ्या माणसाला नाक्यावरच्या तंबीच्या हॉटेलमध्ये डाळभात खायची वेळ आली की काय, असा जबरदस्त टर्न अराऊंड केलेला आहे. अँड दिस इज व्हॉट इज क्रिकेट. सुमित डेकले आणि जयेश पाटील बाद झाले आणि जणू काय असं वाटलं की आवडी आणि लॅम्बॉर्गिनी हे गाड्या गेल्यानंतर जे सौंदर्य होतं फलंदाजीचं ते कमी झालेलं आहे. सो दिस इज अ गुड कमबॅक आणि ह्याचसाठी 8 षटकांचे सामने आयोजित करण्यात आलेले आहेत जेणेकरून संघ कमबॅक करू शकतो. थँक्यू हरीश. गेट टुगेदर मला एक आठवतंय सचिन रमेश तेंडुलकर यांच्या माध्यमातून टेनिस विश्वात असंख्य मित्र आहेत सचिनचे आणि मला आठवते ज्या ज्यावेळेला सचिन चर्चा करायचे त्यावेळेला नवीन पद्धतींचा जन्म स्ट्रॅटजीचा जन्म वेगवेगळ्या पद्धती का येत आहेत या टेनिस विश्वाच्या माध्यमातून जन्म घेतात जे डोमेस्टिक लेवलला नॅशनल लेवलला इंटरनॅशनल लेवलला असंख्य आपण बघतो. हा एक सन्मान आहे सचिन असो गावस्कर असो वेंगसरकर असो किंवा मांजरेकर यांच्या माध्यमातून. मांजरेकरचं एक चांगलं वाक्य जे मी उल्लेख करतो जे याच भूमीवर त्यांनी घेतलं होतं टेनिस विश्वाला या चेंडूनंतर त्याची माहिती पुन्हा एकदा या ठिकाणी सांगू. धावसंख्या 64 फुल टॉस खूप बाहेर उजव्या एसटीच्या बीट होते फलंदाज बीट होते कीपर करुणाचा इशारा येतो वाईड म्हणून पंचांचं आणि या 1+1 दोन धावाने धावसंख्या सरकते ते आता बघतोय आपण 66 या धावसंख्येवर. पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेमध्ये संजय मांजरेकर यांनी सांगितलं टेनिस विश्वात जे खेळाडू खेळतात हरीश ते कधीही लेदर क्रिकेटमध्ये उभं राहू शकतात हे त्यांचं म्हणणं होतं. त्याचं उत्तरसुद्धा आम्ही तुम्हाला देऊ कारण काय ते हे मांजरेकरांनी उल्लेख केलेली गोष्ट आहे. आत आणलाय चेंडू आणि गुड बॉलिंग मिस टाईम झाला होता चेंडू ऑन साईडला सिलिमी डाऊनला येत असताना त्या ठिकाणी कव्हर करेपर्यंत एक सिंगल सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकते ती आता 67 त्यांचं म्हणणं होतं की टेनिस बॉल डायमेन्शन छोटं असतं बॉम्ब्स जास्त असतं फुटवर्क फास्ट लागतं या सगळ्या गोष्टी टेनिस विश्वामध्ये आहे आणि त्यामुळे ही मुलं कधीही पॅड घालून लेदर क्रिकेटमध्ये उतरू शकतात आणि सामोरे जाऊ शकतात. हरीश मॅकलेसच्या स्पर्धेत त्यांनी सांगितलं मी स्वतः पावसाळी क्रिकेट खेळू इच्छितो माझा फुटवर्क इम्प्रूव्ह करण्यासाठी. हा सन्मान आहे टेनिस विश्वाला. गुड बॉलिंग गुड कम बॅक करतायत या ठिकाणी तर गुड्डू चव्हाण आणि राकेशच्या माध्यमातून अप्रतिम कामगिरी या ठिकाणी. डेकले बाद झाल्यानंतर ज्या धावा वाहत होत्या जयेश आणि सुमित डेकलेच्या माध्यमातून त्या धावा आपल्याला मैदानावरती बघायला मिळत नाहीत ओमकार आणि कृष्णा याच्या मार्फत. यावेळेला चेंडू ऑन साईडला खेळले आहेत बघायचे क्षेत्ररक्षक मागे आहेत कव्हर करेपर्यंत सिंगल पूर्ण करतायत या ठिकाणी थ्रो येतोय आणि सिंगलने धावसंख्या सरकते ती आता 68. टेनिस विश्वाने काय दिलं टेनिस विश्वाने संतोष सक्सेना दिला मुंबईला इंडियन रेल्वेजला टेनिस विश्वाने प्रवीण तांबे दिला राजस्थान रॉयलला टेनिस विश्वाने कामरान खान दिला टेनिस विश्वाने दिनेश साळुंके दिला दिस ऑल आर प्रोडक्ट्स याचा उल्लेख या ठिकाणी करायला पाहिजे. अप्रतिम प्लेयर्स जे वरच्या दर्जेला क्रिकेटमध्ये आपली छाप टेनिस विश्वाची पाडले लाफ केलाय फार वेळानंतर हा शॉट येतोय मात्र जेल असू शकतो आणि त्या ठिकाणी सुलतान जेल टिपतायत आणि धाव या ठिकाणी वेग वाढवत असताना फलंदाज त्या ठिकाणी बाद होतोय. धावसंख्या आहे मैदानावर 68. हे आमचं सुप्रीमो चषक 20-15 हे रिदम सॉन्ग जे सातत्याने या ठिकाणी वाजवलं जातं आम्हाला सार्थ अभिमान आहे की इंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी सुप्रीमो चषक थेट प्रक्षेपण स्वतः त्यांनी पाहिलंय सुरुवातीच्या काही वर्षांमध्ये आणि क्रिकेटवर प्रचंड प्रेम करणारं व्यक्तिमत्व बाळासाहेबांच्या कुटुंबांच्या बरोबर भरपूर वेळा वानखेडेमध्ये तुम्ही माँसाहेबांच्या बरोबर बाळासाहेबांना पाहिलंय सामना बघत असताना ते चित्र डोळ्यासमोर उभार या ठिकाणी उभे राहत आहेत. लाफ केलं ऑन साईडला बघायचंय क्षेत्ररक्षक पोहोचेपर्यंत वेग जास्त आहे चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर सुप्रीमो चौकार. Supremo, 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 number one. 72 for the loss of 4.
एस पी सँडी या ठिकाणी जो संघ तुम्ही खेळताना बघताय, विजयदुर्ग स्पोर्ट्स मुंबई विजय भोसले यांचा संघ, ओमकार आणि त्यांचे समान सहकारी काल 60 पाहिलात, 78 पाहिलात, 82 पाहिलात, आज अजून सामना रंगणार यात शंका नाही. यावेळेला लॉफ केलाय चेंडू, सुप्रीमो षटकार, वॉ शॉट अगदी राईट टाइम मध्ये या ठिकाणी, आणि या 6 धावांमध्ये धावसंख्या फुलते आणि धावसंख्या पोचते 78, या धावसंख्या 78. सुप्रीमो 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 नंबर वन, नंबर वन. सुप्रीमो 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 नंबर वन, नंबर वन. तर आमदार अजय चौधरी साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होतंय. सुप्रीमो चषक 2015 आम्ही त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतोय. आमदार संजय पोतनीस आणि आमदार अनिल परब यांच्या माध्यमातून सुस्वागतम. या आराध्यामधल्या आमच्या सगळ्या कन्या सज्ज होत आहेत ग्राउंड सुरक्षित करण्यासाठी. तर 78 झालंय काल दुसऱ्या सामन्यात ही धावसंख्या आपण पाहिली होती. आज या ठिकाणी पहिल्याच सामन्यात ओपन क्रिकेटमधलं या ठिकाणी धावसंख्या आपण बघतोय, 79 टार्गेट, 79 टार्गेट या ठिकाणी 8 षटकात दिले ते म्हणजे आपण बघतोय शांतिरत्न डोंबिवली या संघाला या ठिकाणी, ते म्हणजे विजयदुर्ग स्पोर्ट्स मुंबई एस पी सँडी यांनी. आणि आस्किंग रन रेट आपण बघतोय प्रति षटकाच्या मागे 9.87, म्हणजे 9 किंवा 10 धावा या ठिकाणी करावा लागेल सामना जिंकण्यासाठी. तर हार्दिक शुभेच्छा आम्ही देतोय आमदार अजय चौधरी यांचं आगमन झालं त्यांच्या मार्फत, याच्यानंतर ओंकार काणवीरकर या ठिकाणी त्याच्याकडून हार्दिक शुभेच्छा, विनोद रतन पाटील यांच्याकडून शुभेच्छा, आमदार संजय पोतनीस आणि आमचे लाडके प्रेक्षक जे मोठ्या संख्येने आज सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहे, तुमचं स्वागत आहे, स्वागत आहे, स्वागत आहे. काल सुद्धा जे प्रेम तुम्ही दिल्या शब्दाने वर्णन करता येणार नाही, आज सुद्धा ही गर्दी वाढते, उत्तरार्थ सुद्धा वाढेल, त्यांच्याकडून सुद्धा ऑल द बेस्ट. ओव्हर टू हरीश पांड्या. खूप खूप धन्यवाद. तर मित्रांनो, आजचा जो पुढचा सामना आहे तो शिवशक्ती पाले अंबरनाथ आणि तिरुपती सावर्डे चिपलूण या दोन संघांमध्ये होणार आहे. दोन्ही संघातील संघनायक यांनी स्टेजवर यायचं आहे नाणेफेकीसाठी. शिवशक्ती पाले अंबरनाथ आणि तिरुपती सावर्डे चिपलूण या दोन्ही संघातील जे कॅप्टन्स आहेत त्यांनी त्वरित स्टेजवर यायचं आहे. नाणेफेकीचा कौल आता आपण इथे घेणार आहोत स्टेजवर. तर आमचा आवाज जर आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण त्वरित मंचावर येण्याची कृपा करावी. शिवशक्ती पाले अंबरनाथ आणि तसेच तिरुपती सावर्डे चिपलूण, वेळ वाया न घालवता आपण लगेच इथे नाणेफेकसाठी त्वरित संपर्क करायचा आहे. अंबरनाथचे कॅप्टन आणि चिपलूणचे कॅप्टन जे आम्हाला या ठिकाणी त्यांचे प्रतिनिधी भेटून गेले होते त्यांना विनंती आहे त्वरित या टॉससाठी. मला वाटते आलेले आहेत, एक कॅप्टन दिसतोय मला, जरा लवकर यायचं आहे भाऊ, चला. आणि दुसरा संघ नाही कुठे आहे? शिवशक्ती पाले अंबरनाथ विरुद्ध तिरुपती सावर्डे चिपलूण असा सामना होणार आहे. आणि या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल आत्ताच आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आमदार सन्माननीय अजय चौधरी साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण करणार आहोत. आणि टॉस झाल्यानंतर दोन्ही कॅप्टन्सनी आपापल्या टीमला घेऊन फोटो सेशनसाठी त्वरित स्टेजच्या खाली आमच्या फोटोग्राफर्सना भेटायचं आहे. शिवशक्ती पाले अंबरनाथ विरुद्ध तिरुपती सावर्डे चिपलूण या दोन बलाढ्य संघांमध्ये आता पुढचा सामना होणार आहे. दोन्ही संघनायक मला वाटते इथे पोहोचलेले आहेत. या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल आता आपण करणार आहोत. आपल्यामध्ये आमदार अजय चौधरी साहेब उपस्थित आहेत. शिवशक्ती पाले अंबरनाथ आणि तिरुपती सावर्डे चिपलूण शिवशक्ती पाले अंबरनाथ जरा लवकर या.
तर आता नाणेफेकीचा कौल सन्माननीय अजय चौधरी साहेब यांच्या शुभ हस्ते होणार आहेत. तिरुपती सावर्डे चिपलून विरुद्ध शिवशक्ती पाले अंबरनाथ, अतिशय मोठा असा सामना. आणि नाणेफेक जिंकलेली आहे तिरुपती सावर्डे चिपलून या संघाने. आणि काय निर्णय घेतला जरा कळवायचा आहे. बॅटिंग घेतले, फिल्डिंग घेतलेली आहे. धन्यवाद सदाभाऊ. तिरुपती सावर्डेनी नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण घेतलंय शिवशक्ती पाले अंबरनाथ विरुद्ध. धन्यवाद. तर याच्यानंतरचा सामना शिवशक्ती पाले अंबरनाथ आणि तिरुपती सावर्डे चिपळूण असं बघू शकाल. तर या वळू आपण पुन्हा एकदा या सामन्याकडे, जिथे तुम्ही पाहिलात सामना चालू आहे तो आपण बघतोय मैदानावरती. तो शांतिरत्न डोंबिवली, कल्याण डोंबिवली विरुद्ध विजयदुर्ग स्पोर्ट्स मुंबई म्हणजे एस पी सँडी यांच्यामध्ये. नाणेफेकीचा कौल जिंकला, जर डोंबिवलीने फिल्डिंग घेतला, आमंत्रित केलं एस पी सँडीला. एस पी सँडीने एकंदरीत 8 षटकात दावा केला, 78 गडी गमावले, 4 हायलाइट जर बघितलं तर 17 चेंडू 24 दावा जयेश पाडल. त्याच्यानंतर मैदानावर 13 चेंडू 26 दावा, 200 स्ट्राइकिंग रनरेट सुमित ढेकले. ओमकार 10 चेंडू 16 दावा, 160 स्ट्राइकिंग रनरेट. त्याच्यानंतर जर पाहिलं तर मिडल ऑर्डरने तेवढं इम्प्रेस नाही केलं, मात्र धावसंख्या 79 टार्गेट दिलं, आस्किंग रनरेट 9 पेक्षा जास्त आहे. सामना सुरू होतोय, या ऐकूया हिंदीमध्ये हरीश पंड्यानं. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया बाल सुब्रमण्यम. आप देख रहे हैं सुप्रीमो चषक 2015. तर आताच आपल्या मध्ये उपस्थित झालेले आमदार सन्माननीय अजय चौधरी साहेब यांचा आता आपण सत्कार करणार आहोत. मी विनंती करणार आहे संजय पोतनीस यांना की आपण अजय चौधरी साहेब यांचा सत्कार करावा. अजय चौधरी साहेब ज्यांच्या शुभ हस्ते आत्ताच नाणेफेक झाली, आमदार म्हणून आत्ताच निवडून गेलेत ते महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये, आणि संजय पोतनीस साहेब यांच्या कडून आम्ही त्यांचा सत्कार करीत आहोत, त्याचा त्यांनी सहर्ष स्वीकार करावा. चौधरी साहेब आपल्याला पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा. एक मुत्सद्दी आणि मातब्बर नेते म्हणून ज्यांची ओळख आहे असे अजय चौधरी साहेब आज आपल्यामध्ये उपस्थित. सुस्वागतम साहेब. तो बल्लेबाजी की शुरुआत हो चुकी है. यहां पर शांति रत्न डोंबिवली टीम को 79 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए. और एक परफेक्ट इक्वेशन दिया गया है, क्योंकि एक समय था जब सुमित और जयेश खेल रहे थे तो 85-90 तक स्कोर जाएगा ऐसा लग रहा था. 4 ओवर में 45 रन बने थे, 5 ओवर में 55, और उसके बाद में रन रेट थोड़ा सा नीचे आता हुआ. इस बीच नए ओवर की अगली गेंद जिसको लेकर आ रहे इजाज, और इजाज का सामना इस वक्त जो कर रहे हैं बैट्समैन पांडे. नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो बैट्समैन है वो है मैगी. हमने देखा कल 78 रनों को चेस किया था उमेश 11 ने. नासिक टीम के सामने इस बार बेहतर गेंद थी, डिंग डोंग का वार्निंग बेल बजाती हुई निकल गई. बल्लेबाज के शरीर और बल्ले के बीच में से उसको निकाला था. काफी अच्छी गुड लेंथ बॉल थी. किसी भी गेंदबाज का सपना होता है कि गेंदों को पिचअप कराएं, बल्लेबाज की शारीरिक हिलचाल के ऊपर नजरें रखें और उनको आखिरी वक्त तक ये पता ना चलने दे कि गेंद कहां टप्पा खाएगी. टेनिस बॉल का जो क्रिकेट है ये अमूमन अच्छे टप्पे का क्रिकेट है, और जो यहां पर दिखता हुआ इजाज की गेंदबाजी में. पोस्ट एंड टेलीग्राफ कॉलोनी एंड से अपने ओवर की अगली गेंद को लेकर तैयार. पांडे इस बार ड्राइव करना चाहते थे, गेंद बराबर से बल्ले पर ले नहीं पाए थे. हालांकि एक रन जरूर मिल रहा है विकेटों में, दौड़कर इसको पूरा किया गया. और अब स्ट्राइक की जो जिम्मेदारी है वो है मैगी पर. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रनों पर.
हमारे जो दर्शक पूरी दुनिया में इस सुप्रीमो चषक का आनंद ले रहे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी आज विजय दुर्ग एसपी सैंडी 11 ने 78 रन बनाए। इस बार ओवर पिच बॉल थी और गैप में खेल दिया है, बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग और अफलातुन प्लेसमेंट, सुप्रीमो चौका। सुप्रीमो 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 नंबर वन नंबर वन, सुप्रीमो 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 नंबर वन नंबर वन। छह रनों पर पावर प्ले था और इसलिए जैसे ही मिडऑन के क्षेत्ररक्षक को उन्होंने क्लियर किया उस पर चार रन की मोहर लग चुकी थी। छह रन, स्वागत किया जाएगा इस चौके का शांति रत्न डोंबिवली के खेमे में। इस बार एक और करारा ऑन ड्राइव, शानदार और जानदार बल्लेबाजी यहां पर शुरू करते हुए मैगी। एक भारी बरखम पारी की आवश्यकता होगी यहां पर। ओवर खत्म होता हुआ पहला, पहले ओवर के खत्म होने पर 7 रन बने हैं यहां पर शांति रत्न डोंबिवली के, जिनका मुकाबला चल रहा है इस वक्त विजय दुर्ग सैंडी एसपी 11 मुंबई के सामने। पहले ओवर के कंपैरिजन को जरूर आपके सामने रखना चाहेंगे। जब पहला ओवर खेला था विजय दुर्ग सैंडी एसपी ने तो उनका स्कोर था 7 और यहां पर भी 7 रन ही बने हैं। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी घटना, जब विक्रोलियंस टीम ने समाज सेवा का एक बहुत अच्छा उदाहरण दुनिया के सामने रखा। अच्छा क्रिकेट तो खेलते ही हैं लेकिन अच्छी सोच भी रखते हैं और अमोल मात्रे के माध्यम से मुंबई के जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाने के इरादे से 50,000 रुपए की राशि सुप्रीमो फाउंडेशन को उन्होंने बतौर डोनेशन दी। तो इसलिए विक्रोलियंस और अमोल मात्रे और उनकी टीम का बहुत बहुत आभार। क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम और संजय जब इस तरह का डोनेशन आता है तो वाकई में लगता है कि क्रिकेट सुजलाम सुफलाम होगा और आगे बढ़ेगा। www.tenniscricket.in पर आप इस पूरी प्रतियोगिता के हालचाल को देख सकते हैं, संतोष नाणेकर और उनकी टीम, और youtube.com पर इसको लाइव देखा जा सकता है। YouTube आपके स्मार्टफोन पर है तो जरूर मोबाइल पर देखिए, अपने कमेंट्स दीजिए। दोस्तों इसके अलावा मैं बताता चलूं, हर रोज सुप्रीमो चषक में लकी ड्रॉ होगा जिसमें 2 टी-शर्ट और एक LCD टीवी प्रेक्षकों को दिया जाएगा। इसके कूपन्स मेन गेट पर आपको मिलेंगे, अपना कूपन ले लीजिए। कूपन की कोई फीस नहीं है, केवल आपको मैच देखना है, कूपन लेना है, 2 टी-शर्ट या 1 LCD आप जीत सकते हैं। नया ओवर लेकर आ रहे ओमकार देसाई। ओमकार देसाई की पहली गेंद पर तेज तरार दौड़ लगाते हुए दोनों बैट्समैन, देखना है वहां पर अपने घर में सही सलामत पहुंचते हुए। बल्ले को ग्राउंड किया था जो अच्छी बात थी और इसके साथ ही ये 2 रन मुकम्मल होते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के 79 रन बनाने हैं। 9 रन बन चुके हैं, 70 रनों की जरूरत। मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी के लिए एक कार है यहां पर, महिलाओं के बैठने के लिए एक अलग महिला कक्ष, हमारी महिला स्वयं सेविकाओं के लिए एक विशेष कक्ष है। 2 डगआउट्स बनाए गए हैं 2 टीमों के लिए। स्ट्राइक पर अब इस वक्त मैगी, थोड़ा सा आगे आकर खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लिया था, गेंद ने काफी नीची भी रही थी और चली गई थी डीप थर्ड मैन की पोजीशन पर। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रनों पर पहुंचता हुआ शांति रत्न डोंबिवली ने आखिरी 2 ओवर में काफी अच्छा कमबैक किया, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर वो सिक्सर नहीं जाता तो 72 के आसपास ये स्कोर खत्म हो जाता, विच शुड हैव बीन अ वेरी गुड स्कोर टू चेस। एक 6 से 7 रन उन्होंने ज्यादा खर्च किए ऐसा हम कह सकते हैं। अगली गेंद, बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में चली गई और ढूंढते रह जाओगे वाला एडवर्टाइज मुझे याद आया। बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथों में कैद होती हुई 10 रन। कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से ओमकार देसाई जो कैप्टन है इस विजय दुर्ग सैंडी एसपी के। क्रीज के कोने से अगली गेंद, इस बार हवा में उठाकर खेल दिया था, प्लेसमेंट अच्छी नहीं हो पाई और इसके साथ ही कैच आउट। सुप्रीमो, सुप्रीमो, सुप्रीमो,
बहुत दर्शनीय कैच ग्लेन द्वारा लिया गया था, और जब बड़ी टीमें खेलती हैं तो क्षेत्ररक्षण जो है ये बहुत मायने रखता है। दूधिया रोशनी में ऊपर से आता हुआ जो गेंद होता है उसको कैच करना आसान काम नहीं होता, ग्लेन ने वो काम कर दिखाया। ओमकार देसाई कप्तान स्वयं आगे जाकर इनिशिएटिव लेते हुए, और पारी खत्म होती हुई वहां पर पांडे की, पांडे ने आउट होने से पहले 5 गेंदों का सामना किया, 1 रन बनाया, और अब उनकी जगह लेने आए हैं नए बैट्समैन दिनेश। पहले विकेट की पार्टनरशिप यहां पर 10 रनों की खत्म होती हुई, और तो स्ट्राइक पर है मैगी, सामना करेंगे ओमकार देसाई का। अगली गेंद इस बार मिडल लेग पर आती हुई, रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास था, कामयाब जरूर हुए लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं हो पाई थी, वहां पर तेज दौड़ लगाते हुए 2 रन। बिल्कुल इस तरह 1 को 2 में तब्दील करते रहना होगा, सबसे बड़ी बात है रनों की तलाश में हर वक्त रहना होगा मैगी और उनके साथी बल्लेबाज दिनेश को। स्कोर पहुंचता हुआ 12 पर। पांडे पहले से थोड़े अस्वस्थ नजर आ रहे थे और उनके बल्ले से रन बन नहीं पाए, 5 गेंदों का सामना किया और केवल 1 रन बनाए, 4 डॉट बॉल जो खेले गए वो महंगे पड़ सकते हैं। इस बार जैसे देखा बल्लेबाज विकेटों के नीचे जल्दी उतर आ रहे हैं, जानबूझकर गेंद को शॉर्ट रखा था ओमकार ने ताकि आजादी ना दी जा सके। 2 रन जरूर मिले हैं, प्लेसमेंट अच्छी रही थी और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रनों पर। नजिंग एंड मनूवरिंग द बॉल जिसको क्रिकेट में कहते हैं, बिल्कुल उस तरह का क्रिकेट इस वक्त चलता हुआ। ओवर खत्म होते हुए कुल मिलाकर 2 और 2 ओवर के पूर्णाहुति पर 14 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों टीमों के स्कोर को अगर हम कंपेयर करें तो पहले बैटिंग करते हुए 2 ओवर में जहां 18 रन बने थे और कोई विकेट नहीं गिरा था, उसी के जवाब में यहां पर 14 रन बने हैं और विकेट गिरा है पांडे का। तो पूरी दुनिया से सुप्रीमो चषक को देखा जा रहा है, भारत से, भारत के बाहर से भी, और काफी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स यहां पर पहुंचते हुए youtube.com के जरिए और www.tenniscricket.in के माध्यम से। सुप्रीमो चषक का ये 5वां साल है और 5-स्टार टूर्नामेंट जिसको कहा जाएगा, फैंटास्टिक जिसको कहा जाएगा। नया ओवर लेकर आ रहे इजाज शाह, और इजाज शाह का सामना करेंगे खब्बू बैट्समैन दिनेश। आप देख रहे हैं सुप्रीमो चषक 2015 और दर्शकों का बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है यहां पर, ताता सा लग गया है, बहुत बड़ी संख्या में यहां पर दर्शक पहले ही दिन से 2010 से लेकर 2015 तक की जो यात्रा रही है, विचार, विचार से हेतु का निर्माण, हेतु से कृति, कृति का स्वभाव बनता है, और सब जब स्वभाव को स्वीकृति मिलती है तो वो सिद्धि बन जाती है। तो मेरे ख्याल से सुप्रीमो चषक जो है ये सिद्धि की एक बहुत बड़ी मिसाल अब बन चुका है टेनिस क्रिकेट की दुनिया में। पब्लिक एक्सेप्टेंस जिसको कहा जाता है, लोग सराखों पर बिठाते हैं, सुप्रीमो चषक का इंतजार रहता है मुंबई वासियों को, और सांता क्रूज की सरजमीन धन्य है जहां पर ये सुप्रीमो चषक खेला जा रहा है। पीएनटी कॉलोनी एंड से पहली गेंद बिल्कुल विकेटों में, बिल्कुल इसी तरह की गेंदबाजी अपेक्षित होगी यहां पर कप्तान द्वारा। सीमित ओवरों के क्रिकेट में स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी के ऊपर तवज्जो दी जाती है। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मैच जीतने के लिए अभी भी 65 रनों की आवश्यकता, 65 स्टिल टू विन द मैच, 9 विकेट्स इन हैंड। एक डीप थर्ड मैन, एक वाइडिश थर्ड मैन और एक डीप फाइन लेग ये बल्ले के पीछे। इस बीच एक बहुत ही अच्छी गेंद, तर आताच आपल्यामध्ये कबड्डीपटू रमेश शेट्टी साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे, हार्दिक स्वागत आहे। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी इजाज शाह की, सामना करेंगे दिनेश।
इस बार बॉलर के हाथ में ताली देकर बॉल चली गई थी, एक ब्लाइंडर कैच जिसको कहा जाता है क्रिकेट में, उस तरह का दृश्य खड़ा हुआ था, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में अच्छे से गेंद को वो रोक नहीं पाए, एक रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 एक विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट 10 पर गिरा था, 5 रन की भागीदारी। इस वक्त बैटिंग चल रही है मैगी और दिनेश द्वारा, मैगी दाहिने हाथ से बल्लेबाजी कर रहे हैं और दिनेश बाएं हाथ से बैटिंग कर रहे हैं। अभी भी रन बनाने की जो गति है ये काफी धीमी, इस बार लंबा हिट लगाना चाहते थे और गेंद बेल्स के ऊपर से चली गई, तीनों स्टंप्स खुले छोड़ दिए थे, बाल बाल बचते हुए, इतना बड़ा गैप था कि उसके अंदर से दो होंडा एक्टिवा जा सकती थी। स्कोर 15 पर। एक अच्छा बल्लेबाज वही होता है जिसको पता हो उसका ऑफ स्टंप कहां है, लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि मिडल और लेग स्टंप कहां है यह भी पता हो। स्टंप्स के करीब आकर इस बार मैगी द्वारा करारा ड्राइव था, बॉल जा रही है वाइड स्मिड विकेट की तरफ, जहां एक रन मुकम्मल किया है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पर एक विकेट के नुकसान पर। ओवर चलता हुआ इस वक्त तीसरा, शांत क्रिकेट चल रहा है इस वक्त, लेकिन ऐसा हमने पिछले दो दिन में देखा है कि जब शांत क्रिकेट चलता है और अचानक ही फिर एक तूफान जलजला सा आ जाता है, तो क्या यह तूफान के पहले की खामोशी है यह तो वक्त ही बताएगा। शांति रत्न डोंबिवली पूरा प्रयास करेगी, यहां पर विजय दुर्ग सैंडी एसपी 11 के सामने, एक भारी भरकम स्कोर का पीछा करते हुए मैराथन स्कोर 8 ओवर में। इस बार इंप्रोवाइज करते हुए खेल दिया है, टाइमिंग लाजवाब थी और प्लेसमेंट भी अच्छी रही, लेकिन जहां 4 रन मिलने चाहिए थे वहां पर केवल 1 रन मिला। इतना अच्छा स्ट्रोक खेलने के बाद जब 1 रन मिले तो बल्लेबाज की स्थिति फैक्ट्री के उस वर्कर की तरह रही जो 20% बोनस एक्सपेक्ट कर रहा था और 8.5% बोनस पे उसे समाधान मानना पड़ा हो। 4 का शॉट था, 1 मिला, ओवर खत्म होते हुए कुल मिलाकर 3 और 3 ओवर के खत्म होने पर 17 रन बने हैं और अब मैच जीतने के लिए 62 रनों की जरूरत बचे हुए 5 ओवर्स में, और आस्किंग रेट अब बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ, लगभग 12.4 सिफर। तो हमारे बीच शुभ आगमन होता हुआ नगर सेविका सौ सुनैना संजय पोतनी सिंह का सुस्वागतम, और हमारे बीच शुभ आगमन हो चुका है मुंबई शहर की माजी महापौर सौ श्रद्धा जाधव, आपका हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। मुझे याद है पहला सुप्रीमो कप 2010 में हुआ, तब वो महापौर थी और MIG के मैदान पर बतौर महापौर उन्होंने इनाम वितरण समारंभ में उनके हाथों से इनाम दिए गए थे। सो वी वेलकम सौ श्रद्धा जाधव, 17 रन 17, और नए ओवर को लेकर आ रहे हैं अब ओमकार देसाई। बोलिंग विश्लेषण इजाज का जरूर हम आपको देना चाहेंगे, दो ओवर में उन्होंने 2 ओवर 11 रन और कोई विकेट नहीं मिला, एकमात्र विकेट जो मिला है वो है ओमकार देसाई को। देसाई तैयार, इस बार लेफ्टी बैट्समैन समझ नहीं पाए, बहुत ही खूबसूरत टर्न किया था उस गेंद को ओमकार देसाई ने, जिस तरह सैंडी को लेग स्पिन के लिए याद रखा जाएगा, मानो ये अलग बात है सैंडी लेफ्टी बॉलर थे, पर एक छोटी सी झलक वहां पर ओमकार ने दी सैंडी की। 17 रन 1 विकेट पर। इस बार फिर से गेंद और बल्ले का संपर्क हो नहीं पाया, बल्लेबाज को ताता थैया नचाने का काम इस वक्त विजय दुर्ग सैंडी SP द्वारा, और ये तमाम डॉट बॉल महंगे पड़ सकते हैं, 8 डॉट बॉल अब तक इस पारी में, धन्यवाद संजय मात्रे। इस बार फ्लैट हुक शॉट था और बॉल सीधी मैदान के बाहर आर पार, सुप्रीमो सिक्सर।
अद्भुत शॉट था, अद्भुत शॉट इम्प्रोवाइज करते हुए खेल दिया था, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 पर, और यहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शांति रत्न डोंबिवली टीम जो है वो पलटवार करने के लिए तैयार हो चुकी है। खराब गेंद थी और इसको फेंक दिया था 6 रन के लिए। इस बार आगे आकर ड्राइव किया था, हालांकि अच्छी टाइमिंग नहीं रही थी, लेकिन 2 रनों का स्वागत किया जाएगा। दोनों बल्लेबाज तेज दौड़ लगाते हुए विकेटों के बीच में बिल्कुल इस तरह स्ट्राइक को बदलते रहे तो स्कोर में आगे चले जाएंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है 26 पर। त्रेपन रनों की जरूरत। स्कोर हो गया 25, 25 वी वुड लाइक टू रिकनसाइल, सॉरी। इस बार बहुत ही ज्यादा टर्न लिया और वाइड बॉल, जिस तरह से माहिम में वेस्टर्न रेलवे की गाड़ी हार्बर में जाती है और अंगड़ाई लेती है, बिल्कुल उस तरह वो गेंद अंगड़ाई लेती हुई चली गई, बहुत ज्यादा बाहर और वाइड बॉल। 26 पर पहुंचता हुआ स्कोर। इस बार रिवर्स शॉट खेला है, खुद गिर गए, लेकिन वहां पर बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ खेल दिया था, 1 रन पूरा किया, दूसरे की दौड़ लगाते हुए वहां पर बहुत तेज दौड़ लगाई। खास करके जब आप जमीन पर गिर जाते हैं उसके बाद उठकर खड़े होना और दौड़ना यह आसान काम नहीं होता है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 पर, 28। और शांति रत्न डोंबिवली, इन्होंने अब दिखा दिया है कि यहां से हमारा क्रिकेट जो है इसको हम बहुत आक्रामक और असरकारक तरीके से खेलने वाले हैं। 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 18 रन की भागीदारी मैगी और दिनेश के बीच में। ओवर की अगली गेंद, इस बार जैसे ही टप्पा खाया टाइमिंग लाजवाब था, पहला रन पूरा किया, और पहला रन क्योंकि तेज पूरा किया गया था, दूसरे का मौका था, मौके को भुनाया और दूसरा रन भी पूरा किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 पर। तर आमदार अजय चौधरी साहब आपली रजा घेत आहेत, साहेब आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा। आत्ताच आगमन झालंय मुंबई शहराच्या माजी महापौर सौ श्रद्धा जाधव यांचं। फर्स्ट एड पाणी चाहिए बॅट्समॅन के लिए, जरा पाणी पाठवायचं आहे कार्यकर्त्यांनी मैदानामध्ये। दोस्तों सुप्रीमो चषक में अगला जो मुकाबला है वो होने जा रहा है शिवशक्ति पाले अंबरनाथ और तिरुपति सावरडे चिपलून के बीच में। तिरुपति सावरडे चिपलून ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, शिवशक्ति पाले अंबरनाथ को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में मुंबई और इसके अलावा ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़, इसके अलावा आप देखेंगे कि पालघर, इतना ही नहीं तो इंदौर, कोलकाता, ऐसे अलग अलग जगह से टीमें खेलने आ रही है। स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पर, और वो दिन दूर नहीं, मैं चाहूंगा अगले 2 साल में कि कोई अंतर्राष्ट्रीय टीम भी खेलने के लिए आए। वो टीम यूएई से आ सकती है, श्रीलंका से आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, एंड दैट वुड मेक दिस टूर्नामेंट एन इंटरनेशनल लेवल ऑफ टूर्नामेंट। टेनिस बॉल की क्रिकेट में एक बड़ा नाम, टेनिस बॉल क्रिकेट के मसीहा संजय पोतनिस जो आयोजक है, उनके साथ विभाग प्रमुख एडवोकेट अनिल परब जी, और शिवसेना विभाग क्रमांक 5 और 6 तथा राजेंद्र स्पोर्ट्स क्लब सांताक्रूज इस प्रतियोगिता के यजमान है। तो ओवर समाप्त हुए कुल मिलाकर 4, 30 रन बने हैं और बचे हुए 4 ओवर में मैच जीतने के लिए 49 रनों की आवश्यकता, 12.5 रन का आस्किंग रेट, हर बॉल पर 2 रन बनाने ही होंगे। और नया ओवर लेकर आ रहे हैं प्रशांत माची। बहुत अच्छा बल्लेबाजी का प्रदर्शन सुमित ढेकले और जयेश पाटिल द्वारा, और गेंदबाजी अनुशासन भरी रही है जिसकी बदौलत अब तक कोई ज्यादा रन बनाने नहीं दिए। नए ओवर की पहली गेंद, ओवर पिच थी, ड्राइव किया हाफ वॉली पर लेकर, प्लेसमेंट लॉन्ग ऑन की तरफ थी और वाइड पोजीशन में जाकर उसको रोका गया था, इसके पहले थ्रो निकलता। 1 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 पर, और ये 1 रन जाता हुआ बैट्समैन
मैगी के खाते में। अब स्ट्राइक पर है दिनेश। स्ट्रोक सिलेक्शन यहां पर बहुत निर्णायक होगा इस मैच में। इस बार बॉल दायरे के बाहर और वाइड बॉल दिया है अंपायर ने। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 पर 32। पांचवा ओवर चलता हुआ। अब तक ओमकार देसाई ने दो ओवर किए 20 रन देकर एक विकेट। इजाज ने दो ओवर 11 रन कोई विकेट नहीं। और अपना पहला ओवर कर रहे हैं इस वक्त प्रशांत माची। तो प्रारंभिक गेंदबाजों ने प्रभावित किया है, अब उसके बाद वाले जो पुछल्ले गेंदबाज है उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा इस मैच का परिणाम। क्रीज के कोने से इस बार बल्ले का भारी किनारा लिया था वहां पर और खराब क्षेत्ररक्षण, बॉल मैदान के बाहर, 4 रन के लिए सुप्रीमो चौका। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर की गेंद थी, दूर खेले थे शरीर से दिनेश, लेकिन उसको रोकने का प्रयास था इजाज का और गेंद इजाज के नीचे इजाजत लेती हुई चली गई मैदान के बाहर सुप्रीमो चौके के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 पर और रनों की रफ्तार को बढ़ाने का अब ईमानदार प्रयास शांति रत्न डोंबिवली द्वारा। इस बार बॉल ऑफ स्टंप की लाइन के बहुत ज्यादा बाहर जाती हुई। अचानक ही गेंदबाजी की शैली अब बिगड़ती हुई और यहां पर अब एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज शांति रत्न डोंबिवली को मिला है, क्योंकि अनुशासन भरी गेंदबाजी अब तक जो रही थी वो अब इस ओवर में ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी लचर गेंदबाजी चल रही है, जिसका फायदा होगा शांति रत्न डोंबिवली को। 37 42 रन चाहिए मैच को जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने के लिए। इस बार विकेटों के सामने खेला है, एक रन था दूसरे के लिए, तेज दौड़ लगाते हुए दोनों बैट्समैन बहुत अच्छी चहलकदमी करते हुए इन दोनों को पूरा किया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 पर। दोस्तों कल सुप्रीमो चषक 2015 की शुरुआत हुई और कल सेमीफाइनल में डॉक्टर डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी ने जगह बना ली। उन्होंने पराजित किया उमेश 11 खोपोली को और पनवेल, तलोजा, रसायनी और आसपास के परिसर के कई दिग्गज खिलाड़ियों को कल हमने देखा। आकाश तारेकर, उस्मान पटेल, राकेश प्रभु, नीलेश मचाड़ो, अंकुर सिंह, अजर। इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट था लेकिन वहां पर उतना ही अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने को मिला, आला दर्जे का क्षेत्ररक्षण। ऐसा क्रिकेट में कहा गया है, फील्डिंग इज लाइक मैथमेटिक्स, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम परफेक्ट। और एक निश्चित चौके को बचाया था वहां पर फील्डर ने, ग्लेन ने बॉल को रोका था। ये वही ग्लेन है जिन्होंने कैच लिया था पांडे का। इस बार ओवर पिच बॉल थी और डीप मिड विकेट की तरफ टाइम करते हुए खेला था, एक रन पूरा किया। दूसरे की दौड़, दोनों बैट्समैन एक साथ एक तरफ और वहां पर जीवन दान, आयुष्मान भव का आशीर्वाद। सुप्रीमो चषक चे येलो टी शर्ट मध्ये जे कार्यकर्ते आहेत त्यांनी त्वरित मुख्य रस्त्यावर जायचं आहे आणि ट्रॅफिक पोलीस जे आहेत त्यांना मदत करायची आहे, कारण भरपूर तिथे वाहतुकीची कोंडी झालेली आहे। ती कोंडी सोडवण्यासाठी सुप्रीमो चषक चे पिवळ्या टी शर्ट चे जे आपले मेन कार्यकर्ते आहेत त्यांनी त्वरित मुख्य रस्त्याकडे जायचंय। धन्यवाद। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 पर, 37 रनों की जरूरत। बहुत ही परफेक्ट चेस चलता हुआ लेकिन किसी भी वक्त उसकी गति को बदलना होगा। अब तक सर पर वोल्टास का एसी रखकर दोनों बैट्समैन बैटिंग करते हुए, इस बार मात्र बड़ा शॉट खेलने का इरादा था लेकिन टाइम नहीं कर पाए थे मैगी और ओवर यहां पर पूरा करते हुए बॉलर प्रशांत।
पांच ओवर की समाप्ति पर 42 रन बने हैं और पिछले ओवर में 12 रन बने, जो 12 के आस्किंग रेट से खेलना था वो 12 रन मिले हैं, ये अच्छी बात है शांति रत्न डोंबिवली के लिए। दूसरी ओर जहां तक का सवाल है विजय दुर्ग सैंडी एसपी 11 का, वो जरूर इस टूर्नामेंट को जीतकर सैंडी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे, पर उसके लिए इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो उनके पक्ष में लगभग 60% मैं कहूंगा, अभी भी 40% मौका शांति रत्न डोंबिवली के लिए है, क्योंकि एक खराब ओवर और टीम मैच में वापस आ जाएगी। तो नया ओवर लेकर बैटिंग पावर प्ले का अब यहां पर निर्णय लिया गया है और ये ओवर को करने आ रहे हैं ग्लेन वाइती। और पावर प्ले के इस ओवर में शांति रत्न डोंबिवली जो है, शांति रत्न के लिए एक ही मंत्र है कि इस ओवर में अब अहिंसा नहीं चलेगी, अब थोड़ा सा कड़क क्रिकेट खेलना होगा, मजबूत क्रिकेट खेलना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाली जुझारू क्रिकेट को यहां पर डोंबिवली के खिलाड़ियों को दिखाना होगा। सांताक्रूज की जनता अच्छे खेल की कितनी सराहना करती है, हमने देखा जब प्रणील मोरे और रऊफ ने कल 4 सिक्सर लगाए थे, एक ओवर में 34 रन लिए थे और जनता जनार्दन ने तालियों से उनका स्वागत किया था। इस बार ड्राइव किया है दिनेश ने, लेकिन बॉल फील्डर के पास जाती हुई, ग्लेन की पहली गेंद पर एक रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 पर। सुप्रीमो चषक का 2015 में आपका हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। क्रिकेट की दुनिया का एक मेगा शो जो राष्ट्रीय स्तर पर अब पहुंच गया, क्योंकि मध्य प्रदेश की टीम खेल रही है, हमने देखा कि कोलकाता से दो टीमें इस बार खेलने आ रही है और कई सारी टीमें ये वेटिंग लिस्ट में और आरएसी में थी जिनका टिकट कंफर्म नहीं हो सका, क्योंकि सबको मौका नहीं दिया जा सकता। लेकिन गोवा की टीम थी, बेंगलोर की टीम थी, चेन्नई की टीम थी, कई जगह से टीमों ने अप्रोच किया था। क्रिकेट का एक मजमा जो कल से शुरू हुआ है, 26 अप्रैल को अंतिम मुकाबला खेला जाएगा इस मैदान पर। 43 इज द स्कोर। ग्लेन राउंड द विकेट आते हुए इस बार शरीर से दूर शॉट को खेला था, हालांकि उसको कैच करने का कोई वहां पर इरादा नहीं था अक्षेत्रक्षकों का, क्योंकि वो जानते हैं कि स्ट्राइक को बदल कर मैगी को दूर रखा जाए, अगर हम मैगी को आउट नहीं कर सकते तो कम से कम उसको बल्लेबाजी से दूर रखें। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 पर, 44, 34 रन की भागीदारी। अभी भी बड़े शॉट्स खेलने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है शांति रत्न डोंबिवली को। अगली गेंद क्रीज के कोने से, इस बार शायद उनके पैर की मांसपेशियों में थोड़ा सा खींचाव आता हुआ और ये एक अच्छी निशानी नहीं होगी यहां पर शांति रत्न डोंबिवली के लिए। कई बार जब आप मैचेस खेलते हैं तो पैर में इस तरह से क्रैम्प्स आते हैं और इसीलिए जो वार्म अप एक्सरसाइजेज है इसके ऊपर जोर दिया गया है। तो स्कोर यहां पर रुका हुआ है कुल मिलाकर 44 पर। दोस्तों कल की तरह आज भी लकी ड्रॉ रखा गया है, दो टी शर्ट और एक एलसीडी टीवी, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वहां पर प्रथम उपचार जिसको कहा जाता है वो पहुंचाया गया है। जिस तरह क्रिकेट आगे बढ़ रहा है ठीक उसी तरह क्रिकेट के साथ साथ खिलाड़ियों की चोट भी बढ़ रही है, ये हम कहना चाहेंगे। पूरी सीजन में बिना कोई चोट के अगर आपने सीजन को पूरा किया तो गनीमत है, मंदिर में जाके आप 11 नारियल चढ़ा सकते हैं, बिकॉज इतना क्रिकेट है हर सैटरडे संडे। मुझे अभी भी याद है 1985-86 का जो टेनिस बॉल क्रिकेट था, शुक्रवार रात को खिलाड़ी घर से निकलते थे और सोमवार को सुबह पहुंचते थे। दैट वॉज क्रिकेट वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। ये उड़े हवा अंगात हवा जोश अंगात सदा ये लता ये आज कसा होश हा।
माननीय दिलीप जी महेश आहेत सोबत, मुंबईच्या महापौर आहेत, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि आपण सर्व मुंबईकर क्रीडा रसिक बांधवांनो, भगिनी आणि मातांनो, कौतुक कोणाचं आणि कोणी करायचं? अनिल आणि संजय या दोघांचं कौतुक करायचं म्हणजे मला असं वाटतं आपणच आपलं कौतुक करून घेण्यासारखं आहे. खरोखर शिवसेना प्रमुखांना समाधान वाटेल, आनंद वाटेल, अभिमान वाटेल असे हे सगळे तुम्ही शिवसैनिक आहात. गेल्या वेळेला गेल्या वर्षी एमआयजी होत, या वेळेला हे ग्राउंड आहे, पुढच्या वर्षी वानखेडे स्टेडियम पाहिजे. तर पुढच्या वर्षी क्रिकेट संघाला पण सांगतो की पुढच्या वर्षी फायनल आपली वानखेडेला. ठीक आहे, तुम्हाला तुम्ही ही सगळी स्पर्धा शिवसेना प्रमुखांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आयोजित करतात. शिवसेना प्रमुखांचा अनुयायी म्हणून नव्हे, त्यांचा सैनिक म्हणून नाही तर त्यांचा मुलगा म्हणून मी आपल्याला सगळ्यांना त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद देतो आणि तुम्हाला सगळ्यांना निरोगी दीर्घायुष्य लाभो असं शिवसेना प्रमुखांच्या वतीने मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराज. सर्व मित्रांनो आणि फुटबॉल प्रेमी आज खरं सत्ता घेताना मला कसं तरी वाटत होतं माझं नाहीच आहे. हा सत्ता करून आणि माझ्यासोबत किती काम त्याचं आहे. तो नए बैट्समैन है शाहिद और रिटायर होकर बराबर ना वापस आना पड़ रहा है बैट्समैन को. संघर्ष वाली परिस्थितियां हैं लेकिन जब संघर्ष होता है मेहनत और संघर्ष में फर्क क्या है? संघर्ष में भावनाएं जुड़ी हुई होती है. एक बार अमिताभ बच्चन ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं जुहू से आरके स्टूडियो आते जाते थक जाता हूं तो ये संघर्ष अब मुझसे नहीं होता. तो तब हरिवंश राय बच्चन साहब ने उनको एक बात बताई थी कि बेटा जब तक संघर्ष है तब तक जीवन है, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, कीप फाइटिंग. तो यह मंत्र मैं शांति रत्न डोंबिवली को देना चाहूंगा, गो अहेड. खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए सुप्रीमो चषक है, ट्राई योर बेस्ट. 44 पर रुका हुआ स्कोर और नए बैट्समैन है शाहिद जो सामना करेंगे ग्लेन वैती का. ओवर चल रहा है कुल मिलाकर छठा, सिक्स्थ ओवर इन प्रोग्रेस. इस मैच के बाद दो मैचेस और खेले जाएंगे. इस बीच स्टंप्स के करीब आकर इस बार इनसाइड आउट बहुत ही अनोखे अंदाज में ड्राइव किया था और यहां पर एक रन मिलेगा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 पर. दो टीमों के बीच में सबसे बड़ा फर्क यही रहा, कहां पहले चार ओवर में 45 रन बन चुके थे विजय दुर्ग एसपी सैंडी 11 के, और अब यहां पर हम देखें तो लगभग छठे ओवर में ये 45 रन बने हैं. दिस इज द बिग बिग डिफरेंस. इस बार फुल टॉस बॉल दी और दो खिलाड़ियों के ऊपर से खेल दिया, बॉल मैदान के बाहर जाती हुई, वहां पर सुप्रीमो चौका. पावर प्ले का काफी अच्छा इस्तेमाल वहां पर बैट्समैन मैगी द्वारा. 49 पर पहुंचता हुआ स्कोर 49.
एक बार फिर से आ गया है, गैप में खेल दिया है, फास्ट आउटफील्ड है, बॉल मैदान के बाहर, सुप्रीमो चौका, नमकीन शॉट। तो एक बहुत अच्छी पोजीशन में आते हुए इस ओवर में, इस ओवर में संजय अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 11 रन आए, तो पिछले दो ओवर में 23 रन जरूर आए हैं। और अब एक परफेक्ट क्लाइमैक्स की तरफ ये मैच बढ़ता हुआ, जब ओवर खत्म हुए हैं 6 रन बने हैं, 53 विकेट गिरा है, एक 43 रनों की पार्टनरशिप दोनों के बीच में यहां पर बनती हुई, और अब यहां पर गेंदे बची हैं 12 और 12 गेंदों में मैच जीतने के लिए जो रन बनाने हैं। बारह गेंदों में 26 रन, 14 का फर्क है, 3 चौके 2 छक्के बॉल टू बॉल इक्वेशन पर ले आएंगे। वो 2 या 3 कमजोर गेंदे कैसे लेनी है, कहां से लेनी है और कहां खेलनी है, ये सारा जो इस वक्त सोच है, ये दोनों जो बल्लेबाज है उनका दिमाग इस वक्त पेंटियम 7 कंप्यूटर की तरह प्रोसेसिंग करता हुआ। और नए ओवर की शुरुआत पीएनटी कॉलोनी एंड से प्रशांत माची द्वारा, माची ने अपने पहले ओवर में 12 रन दिए थे। बारह चेंडू मध्ये 26 धावांची गरज, 12 बॉल्स 26 रन, 12 बॉल 26 रन, मैच बहुत इंटरेस्टिंग पड़ाव पर आकर खड़ा हो गया है। पहली गेंद इस बार गैप में ड्राइव किया है, वहां पर अब जाकर गेंद को रोका गया है, लेकिन एक से ज्यादा मिल पाना मुश्किल। और अब 11 गेंदों में 25 रन, 11 चेंडू 25 धावा, 11 बॉल्स एंड 25 रन, अभी भी रन और बॉल के बीच में 14 का फर्क कायम है। अभी तक इस टूर्नामेंट में 2015 में इतिहास है, स्कोर को चेस करने वाली टीमें जीती है, क्या वैसा होगा या फिर वो जो परंपरा चल आ रही है वो टूटेगी। मैच का परिणाम चाहे कुछ भी आए, लेकिन काफी क्लोज मैचेस हो रहे हैं इस सुप्रीमो चषक 2015 में। करारा शॉट, बॉल हवा में काफी समय रही थी, ऐसा लगा कि मानो इतनी ऊपर गेंद गई थी कि शायद स्पाइस जेट की एरोस्टेस अपने प्लेन में से उसे पकड़ लेती, लेकिन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 पर 56। अभी भी 23 रनों की आवश्यकता है और गेंदें बची हैं